बाहुबली ऐसी फिल्में थी जिन्होंने एसएस राजामौली को पूरे इंडिया में एक कामयाब डायरेक्टर के तौर पर मशहूर किया। अब जैसे ही फिल्म की वजह से डायरेक्टर और एक्टर का नाम आसमान को छूता हुआ नजर आया तो कई डायरेक्टर्स ने इसी तरह की फिल्में बनाने का फैसला कर लिया, क्योंकि अगर एक चीज चलना शुरू होती है तो सभी उसके पीछे ही लग जाते हैं। जैसा कि गदर 2 की कामयाबी को देखते हुए अब पुरानी फिल्मों के सीक्वल्स पर ही ज्यादा फोकस किया जा रहा है, वो चाहे हेरा फेरी 3 की अनाउंसमेंट हो या वेलकम का तीसरा पार्ट। इसी तरह बहुत से डायरेक्टर्स ने एसएस राजामौली बनने के चक्कर में मिथोलॉजिकल कहानियों पर ही फिल्में बनाने की ठान ली, जिसमें इसी साल आदि पुरुष जैसी फिल्म रिलीज की गई, जिसे रामायण जैसी एपिक स्टोरी पर बनाने का क्लेम भी किया गया। लेकिन बाहुबली एक्टर को इस फिल्म में लेने के बावजूद ये फिल्म बुरी तरह नाकाम हो गई, जहां कहानी से लेकर विजुअल्स तक कुछ भी ऐसा प्रेजेंट नहीं किया गया जिसे बाहुबली से कंपेयर किया जा सके, और डायरेक्टर ओम राउत का राजामौली बनने का ख्वाब अधूरा ही रह गया। इसी दौरान एक और डायरेक्टर ने भी रामायण की कहानी पर ही फिल्म बनाने का फैसला कर लिया, जिसमें रणबीर कपूर और यश मेन रोल्स के लिए कास्ट भी कर लिए गए। यानी जहां आदि पुरुष में हमें प्रभास और सैफ अली खान नजर आए, वहीं इस फिल्म में रणबीर कपूर और केजीएफ जैसी फिल्मों में काम करने वाले एक्टर अदाकारी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसे एक ऐसे डायरेक्टर बनाने जा रहे हैं जो इसकी कहानी के साथ पूरा इंसाफ करने का पोटेंशियल भी रखते हैं, और वो नितेश तिवारी हैं, जो दंगल जैसी अब तक इंडिया की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म भी बना चुके हैं। लेकिन अब आदि पुरुष के बाद एक और डायरेक्टर बहुत बड़ी जंप लगाने के चक्कर में पड़ गए हैं, विवेक अग्निहोत्री, जिन्होंने रिसेंटली दी वैक्सीन वॉर जैसी फिल्म रिलीज की जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह नाकाम हो गई, और अब वो महाभारत जैसी बड़ी कहानी पर 3 पार्ट्स में फिल्में बनाने जा रहे हैं। ये वही कहानी है जिस पर बाहुबली डायरेक्टर फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक एसएस राजामौली इसके लिए तैयार ही नहीं हो पाए, क्योंकि उनका कहना है कि इस कहानी के तकरीबन 10 पार्ट्स बन सकते हैं, क्योंकि इस कहानी में 25 से 30 करेक्टर्स शामिल हैं, इसलिए अभी तक वो महाभारत पर फिल्में बनाने की कोशिश ही कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम जरूर करेंगे, लेकिन द कश्मीर फाइल्स बनाने वाले डायरेक्टर ने शायद द वैक्सीन वॉर की नाकामी छुपाने के लिए अब इस कहानी पर ही फिल्म बनाने का फैसला कर लिया। अब ऐसे डायरेक्टर्स जो कंट्रोवर्शियल फिल्म्स बनाने से मशहूर हैं, उनसे महाभारत जैसी कहानी पर फिल्म बनाना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री के बड़े बड़े नामों ने इनकी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को क्रिटिसाइज किया, और ये खुद भी हर दूसरे दिन सोशल मीडिया पर कभी किसी से लड़ाइयां करते हुए नजर आते हैं और कभी किसी एक्टर को बदनाम करने के मिशन पर ही लगे हुए हैं। और अब महाभारत पर भी फिल्म अनाउंस करते हुए उन्होंने थोड़ा कंट्रोवर्शियल एंगल ही चूज किया है, ये कहते हुए कि क्या महाभारत हिस्ट्री है या मिथोलॉजी, यानी दूसरे लफ्जों में महाभारत सच है या झूठ, और ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है ताकि से भी कंट्रोवर्सी बन सके, जैसा कि कश्मीर जैसे टॉपिक पर कंट्रोवर्सी बनी थी। हालांकि इस तरह के शॉर्टकट्स महाभारत जैसे टॉपिक को लेकर नहीं लेने चाहिए, और वो डायरेक्टर जो इस तरह की कामयाब फिल्में बनाते आ रहे हैं वो भी इस पर फिल्म बनाने में अभी तक थोड़ा डर ही रहे हैं। लेकिन विवेक अग्निहोत्री, जिनके करियर में 1 या 2 फिल्में ही हिट हुई हैं, और वो भी बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक पर, इसलिए बड़ी छलांग लगाने वाला ये एक्सपेरिमेंट अभी के लिए चलता हुआ नजर नहीं आ रहा।